हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी थ्री बाय यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देंगे आधार कार्ड से यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप फोन पे गूगल पे यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप आधार कार्ड के माध्यम से यूपीआई पिन क्रिएट करके यूज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्रिएट 4 डिजिट यूपीआई पिन यूजिंग योर आधार डिटेल, यानी आधार कार्ड के नंबर से आप यूपीआई पिन बनाकर फोन पे गूगल पे यूज कर सकते हो। दोस्तों, आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड का 6 अंक यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। डालने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा और जो बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी ओटीपी भेजा जाएगा। तो यहाँ पर ओटीपी डालकर यहाँ पर आपको सही पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद जो आपके बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी ओटीपी गया होगा। यहाँ पर लिखा है इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी ओटीपी होगा आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है, ठीक है। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपने हिसाब से यूपीआई पिन आपको क्रिएट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर यूपीआई पिन डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना है, उसके बाद कंफर्म करना है, फिर से दोबारा उसी पिन को यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और इस पर टिक लगाना है, उसके बाद यूपीआई पिन क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है भीम, ठीक है दोस्तों। भीम यूपीआई आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देखिए इस एप्लीकेशन का लोगो इस तरह का है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से डाउनलोड किए हैं तो अपडेट जरूर कीजिएगा। अपडेट करने के बाद दोस्तों ओपन कीजिएगा, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। चलिए मैं वो भी करके दिखाता हूँ। जब आप अपडेट कीजिएगा तो ओपन करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सिम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी सिम को सिलेक्ट कीजिएगा आपके बैंक अकाउंट से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने में कुछ सेकंड का समय लगता है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी देखिए ओटीपी आ गया, ठीक है, और ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा और यहां पर देखिए रजिस्टर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पर अपने हिसाब से पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिएगा। मैं यहां पर कर लेता हूं। क्रिएट होने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो बैंक अकाउंट ऐड करके यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बैंक अकाउंट नंबर है इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉरगेट यूपीआई पिन का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आधार नंबर का ऑप्शन आता है, आधार नंबर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे का स्टेप आप सभी को बता दिए हैं कैसे यूपीआई पिन क्रिएट करना है। अब दोस्तों कैसे आपको बैंक बैलेंस चेक करना है तो आपको इसी होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद जो अकाउंट नंबर है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिये चेक बैंक बैलेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आप पिन बनाए हैं यूपीआई उस पिन को डालकर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होगा यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस टोटल कितना है। अगर आप किसी के अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो उसी अकाउंट नंबर पर क्लिक करना है, फिर से अकाउंट नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिये सेंड मनी का ऑप्शन है, सेंड मनी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालने का ऑप्शन आ जाता है, या यहाँ पर मोबाइल नंबर या यूपीआई नंबर से आप किसी के अकाउंट में पैसा को भेज सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
आधार कार्ड से यूपीआई पिन कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।